वेलकम गाइज वेलकम बैक टू ओन चैनल ऑप्शन गाइड तो स्वागत है आपका एक और शानदार डीली मार्केस वीडियो में आज की मार्केट देखेंगे तो जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था एक रेंज बाउंड डे एक्सपेक्टेड है क्लियरली डाटा से यही दिख रहा था यही हमने आपके साथ शेयर किया था और आज पूरा दिन देखो मार्केट में ऑलमोस्ट मूव नहीं थे मॉर्निंग में थोड़े बहुत मूव ज़रूर आए लेकिन उसके बाद पूरा दिन मार्केट रेंज में ही थी बहुत ज़्यादा ट्रेड्स नहीं थे और हाँ एस एल हन्टिंग भी देखने को मिली जो ट्रेड्स भी मिले क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग मार्केट नहीं थी तो उन ट्रेड्स में एस एल भी हिट हुए तो डिटेल में इंट्राडे डे मार्केट तो डिस्कस करेंगे लेकिन अब कल कैसी मार्केट एक्सपेक्टेड है क्या कल भी रेंज बाउंडे होगा या फाइनली हमें एक मूव देखने को मिलेगा इस मार्केट में सारी चीज़ों की डिटेल में बात करेंगे बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाली है इन सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना चलिए अल्ले पार्ट पे आते हैं देखते हैं क्या हुआ मार्केट में क्या हमारी डिस्कशन थी एंड अब कल के लिए मार्केट में क्या पता लग रहा है डाटा क्या बता रहा है सारी चीज़ों की डिटेल में बात करते हैं पहले निफ्टी देखते हैं देखिए ओपनिंग गैप अप हुई लेकिन मार्केट मॉर्निंग में अपर लेवल्स पे सस्टेन नहीं करती है क्लियर कट डिप आता है ठीक है डिप के बाद जो बाउंस आया उसमें हमने देखो यहाँ पे हमारा लेवल है नाइनटीन और यहाँ पे लोअर साइड नाइनटीन अगर 19600 का ब्रेकआउट मिलेगा तो हमें कॉल्स पर एंट्री करनी है ये हमने डिस्कस किया था ब्रेकआउट मिला भी है कंफर्म भी हुआ है लेकिन जैसे ही कंफर्म हुआ नेक्स्ट कैंडल सी मार्केट लेवल के बिलो आ जाती है और मैंने क्लियरली आपको डिफाइन किया देखो रूल्स हमारे सारे डिफाइंड है टारगेट क्या होगा एंट्री कहाँ से बनानी है और एस क्या है जैसे ये ट्रेड मिला है ब्रेकआउट कन्फर्मेशन कैंडल और इसका एस है सिंपली अगर कोई भी कैंडल लेवल के बिलो क्लोज हो जाए अपने ट्रेड से एग्जिट हो जाओ सिंपली मैंने रूल आपको समझाया हुआ है अगर रूल फॉलो करोगे तो आपके लॉसेस हमेशा बहुत छोटे होंगे क्योंकि यहां पे जैसे ही कैंडल लेवल के बिलो क्लोज होती है आपको एग्जिट हो जाना था और यहां पे थ्री फोर परसेंट का एस है उससे ज्यादा का एस नहीं देखने को मिला होगा आपको लेकिन अगर आप वो एस ले लेते ले तो बड़े लॉस से बच जाते ठीक है क्योंकि उसके बाद मार्केट में सडन डाउनफॉल आता है अब डाउनफॉल में भी सिमिलर होता है देखो आज पूरा दिन मार्केट बिल्कुल एक रेंज में मॉर्निंग में गैप अप ओपनिंग पर जैसे ही डिप आया पूरा दिन उसके बाद मार्केट रेंज में है यहाँ हमने नाइनटीन फाइव सिक्सटी को लोअर साइड भी ब्रेक किया ब्रेक डाउन की कन्फर्मेशन भी मिली एक कैंडल रेड उसके बाद भी बनती है लेकिन यहाँ भी फिर हमें एस एल लेना पड़ा सिंपली मार्केट में दोबारा बाउंस बैक आता है लेवल के अब मार्केट कैंडल क्लोज करती है एग्जिट हो जा और उसके बाद तो पूरा दिन कोई ट्रेड नहीं थे सिक्स हंड्रेड पर मार्केट रेजिस्टेंस फेस करती है और फाइव सिक्सटी पर मार्केट सपोर्ट लेती है तो जैसा आज के लिए डिस्कस किया था रेंज बाउंड एक्सपेक्टेड है पूरा दिन मार्केट रेंज में ही थी और आज तो डे एंड में भी कोई मूव देखने को नहीं मिला जनरली अगर दिन में मार्केट रेंज बाउंड हो तो एक डे एंड में मूव आ जाता है लेकिन आज डे एंड में भी कोई मूव नहीं आया बिल्कुल मार्केट नैरो रेंज में थी बैंक निफ्टी भी देखो कि सिमिलर हुआ बैंक निफ्टी में देखिए मॉर्निंग में यहाँ भी स्लाइटली गैप ऑफ ओपनिंग मॉर्निंग में एक डिप भी आता है और उसके बाद एक गजब की रैली मॉर्निंग में एक बार अपमूव जरूर आया बैंक निफ्टी में और आपको याद होगा कल बैंक निफ्टी ने परफॉर्म नहीं किया था तो आज हमें बैंक निफ्टी पॉजिटिव देखने को मिला निफ्टी नेगेटिव यहां एक अच्छी रैली आई मॉर्निंग में लेकिन यहां जब 45,000 लेवल का ब्रेकआउट मिला कंफर्म भी हुआ यहां भी सिमिलर देखने को मिला फिर से वही लेवल के अब मार्केट जरूर गई कंफर्मेशन में मिली लेकिन यहां भी फिर से मार्केट लेवल के बिलो आ जाती है और डे एंड में बैंक निफ्टी भी देखो बिल्कुल नैरो रेंज में कोई मूव्स ही नहीं थे ऑलमोस्ट मार्केट में तो आज इंट्राडे ऑप्शन बायर्स के लिए ऑलमोस्ट ट्रेड्स नहीं थे मॉर्निंग में एक मूव आया था उसके अलावा आप पूरा दिन देखोगे ना बैंक निफ्टी में ट्रेड्स थे ना ही निफ्टी में ट्रेड थे तो पूरा दिन रेंज बाउंड डे था अब कल के लिए डायरेक्टली डिस्कस कर लेते हैं वेनसडे तो वैसे भी नॉर्मली रेंज बाउंड डे होता है फर्स्ट हाफ में तो क्या सच में कल भी रेंज बाउंड डे है या फिर कल वॉलेटाइल मूव देखने को मिल सकते हैं डिटेल में डिस्कस करते हैं पहले निफ्टी के सेटअप की बात करते हैं फिर बैंक निफ्टी पे आएंगे अब देखिए निफ्टी में फिर से वही हुआ है बहुत ज़्यादा नेगेटिव या पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं आई है थोड़ा सा डिप देखने को मिला है ऑलमोस्ट ट्वेंटी फाइव थर्टी पॉइंट्स का तो कल के लिए भी निफ्टी में सेम लेवल से आज एस लेना पड़ा लेकिन सेटअप अभी भी चेंज नहीं हुआ है क्योंकि आज कोई ट्रेंड नहीं था तो हम कोई ट्रेंडिंग वो आज कैच नहीं कर सकते थे लेकिन सेटअप में सेम लेवल से अभी भी नाइनटीन फाइव सिक्सटी नाइनटीन सिक्स हंड्रेड इसी रेंज में मार्केट आज फिर से क्लोज हुई है कल भी हम इस रेंज के ब्रेक होने का वेट करेंगे और जिस साइड ये रेंज ब्रेक होगी उस डायरेक्शन में आपको ट्रेड बनाना है अगर नाइनटीन फाइव सिक्सटी लोअर साइड ब्रेक हो पुट्स में एंट्री टारगेट यहां पे जोन है फाइव हंड्रेड का जोन अप साइड नाइनटीन सिक्स हंड्रेड का ब्रेकआउट मिले तो कॉल्स में एंट्री है और टारगेट नाइनटीन सिक्स सेवनटी से सेवन हंड्रेड का जोन ठीक है ये सिंपल और क्लियर सेटअप है कल के लिए भी यही रेंज है जिस साइड ये रेंज ब्रेक होगी उस डायरेक्शन में आपको ट्रेड बनाना है ठीक है आज का भी अगर 90 परसेंट डे दे देखो आप इस मूव को हटा दो और मॉर्निंग के मूव को 90 परसेंट दिन आज मार्केट ने इसी रेंज में निकाला है तो ये रेंज ब्रेक होगी तो मार्केट में मूव आएगा सिंपल यही सेटअप फॉलो कल के लिए भी करना है ये तो पता लग गया चार्ट से लेकिन ऑप्शन चेन क्या बता रही है वो भी देख लेते हैं जैसे ऑप्शन चेन नहीं बताया था आज भी रेंज बाउंड है तो कल के लिए क्या पता लग रहा है वो भी देखिए और अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना जानते हैं तो रेंज बाउंड डे में आप ऑप्शन सेलिंग प्रेफर कर सकते हैं अभी ऑप्शन चेन क्या बता रही है वो देख लेते हैं देखो इमीडिएट पे सिक्स भी रेजिस्टेंस थी आज भी है है दो आज दोनों साइड अच्छा हुआ, हुआ है 94, 000, put side, call side, 1 ,38, तो इसीलिए मार्केट आज पूरा दिन सिक्स हंड्रेड के आसपास ही टाइम स्पेंड कर रही थी दोनों साइड ही प्रीमियम डी के देखने को मिला तो तो कल के लिए भी रेजिस्टेंस तो क्लियर है और सपोर्ट लेवल क्या है आज जो था ही सपोर्ट लेवल है। है, अगर आप ऑप्शन सेलर है तो टू पी एम तक आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं बस इस ऑप्शन सेलिंग की कंडीशन क्या है जिस टाइम आप ऑप्शन सेलिंग करें उस टाइम मार्केट उसी रेंज में होनी चाहिए जो अभी हमने आपको बताई 19560 से 600 इस रेंज में मार्केट आपको मिले तो वहां पे अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं ऑप्शन सेलिंग जानते हैं तो आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं ठीक है डाटा अभी भी यही बता रहा है कि कल के दिन भी कोई बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्टेड नहीं है लेकिन ये अभी करंट डाटा से पता लग रहा है दो दिन ऑलरेडी मार्केट रेंज बाउंड हो चुकी है अब थर्ड डे है कल और कल अगर सेकेंड हाफ में डाटा क्योंकि एक्सपायरी है नेक्स्ट डे एक्सपायरी से पहले अगर डाटा चेंज होता है तो फिर एक शार्प मूव आफ्टर टू बी देखने को मिल सकता है डे एंड में तो उसके लिए पहले आपको डाटा देखना पड़ेगा क्या कहीं पे सडनली शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है ऐसा कुछ बन रहा है तो वहाँ पे आप ट्रेड बना सकते हैं वन साइड डायरेक्शनल मूव के लिए ठीक है ये बात हुई निफ्टी की होप सारी चीज़ें क्लियर है ऑप्शन सेलिंग कहाँ पर करनी है कॉल्स और पुट्स में ट्रेंडिंग मूव के लिए कब आपको बाइंग करनी है सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली अब बात करते हैं मैंग निफ्टी की अब बैंक निफ्टी में देखो आज क्या हुआ है बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट पूरा दिन ना 45,000 के आसपास ही था जब एक बार मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट किया ऑलमोस्ट पूरा दिन डे एंड में इसी लेवल के आसपास था तो यही लेवल कल के लिए ट्रेंड डिसाइड करेगा अगर मार्केट 45,000 के अबव जाती है ब्रेकआउट देती है मार्केट में रैली आएगी आपको कॉल्स में एंट्री करनी है टारगेट फोर्टी अगर मार्केट इसके बिलो रहती है यहां रेजिस्टेंस फेस करती है तो आपको पुट्स में एंट्री करनी है एक ही लेवल से कल बैंक निफ्टी में आपको रेड मिल जाएंगे 45, से इसके अबव है तो बुलिश मार्केट कॉल्स में एंट्री ये टारगेट इसके बिलो है यहां रेजिस्टेंस फेस करे तो तो पुट्स में एंट्री टारगेट और 44, तो ये सिंपल सेटअप है कल के लिए बैंक निफ्टी में होप सारी चीजें क्लियर है बहुत ट्रांसपेरेंटली हम सारी चीजें बताते हैं और एक चीज फिर से कहूंगा मार्केट चाहे जैसी भी हो आज भी आपका पोर्टफोलियो प्लस ही होगा निफ्टी नेगेटिव था लेकिन स्मॉल एंड मिड कैप निफ्टी से बेटर ही परफॉर्म कर रहे हैं तो उस चीज की टेंशन बिल्कुल मत लो कि मार्केट में कोई बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है डरना नहीं है और पोर्टफोलियो सेल नहीं करना है बार बार यही चीज मैं आपको जरूर बता रहा हूं ट्रेडिंग में चाहे कुछ भी कर रहे हो लेकिन पोर्टफोलियो को सेल नहीं करना है ट्रेडिंग में दोनों साइड के ट्रेड मिलेंगे बुलिश भी बेरिश भी लेकिन पोर्टफोलियो को हाथ नहीं लगाना है सेल नहीं करना है इस चीज का ध्यान रखें होप सारी चीजें क्लियर है वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कर दे एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें